9 दिन बाद छात्र मिला, परिजनों को ही छात्र का शव मिला। परिजनों का कल आरोप था पोस्टमार्टम रूम पर कि जो थाना अधिकारी हैं उन्होंने नीचे जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा किसी हथियार बंद आपके सिपाही को भेज दिए, हम खुद नीचे जाकर ढूंढ लेते हैं, जंगली जानवर है यहाँ पर। तो पुलिस नहीं ढूंढ पाई 9 दिन में, परिजन बाहर से आकर बच्चे को ढूंढ ली। जहाँ पर ये कल शव मिला गरड़िया महादेव की पहाड़ियों में मिला था, और वहाँ पर पुलिस और परिवारजन दोनों संयुक्त रूप से ही ढूंढ रहे थे, किंतु उधर के जो वो बड़ा दुर्गम जैसे रास्ता है वहाँ पर कटीले झाड़ियाँ और वो सब चीज़ें रहती है, तो ऐसा आसान नहीं है उस एरिया को पूरे को ढूंढना। बल्कि कल सुबह से हमारे लगभग 70 जवान और SHO के नेतृत्व में सुबह से ही परिवारजन के साथ लगे हुए थे और इकट्ठा एक संयुक्त ऑपरेशन ही कर रहे थे, एक एक एरिया को छान रहे थे। कुछ दिनों पहले तक वो सिर्फ उस एरिया तक नहीं जा पा रहे थे, उस क्षेत्र तक, और इधर उधर मतलब ढूंढकर और फिर वापस आ रहे थे। लेकिन कल अब किसको दिखा उसमें तो मैं कुछ, वो तो अपने देखिएगा किस, आप अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टाफ है, परिवारजन है, वो अलग अलग पूरा एरिया को कॉम्ब करते हुए सर्च कर रहे थे। तो ये परिवारजन को दिखा, ये एक तरह से वो उस क्षेत्र में होंगे, उन्होंने उनकी वहाँ पर नज़र गई हुई इसलिए दिखा। लेकिन जो ऑपरेशन था वो संयुक्त तो ऑपरेशन मतलब ही था पुलिस के द्वारा और साथ में परिवारजन दोनों ही थे, ऐसा नहीं है कि किसी एक ने इसमें नहीं किया। हाँ मैम, लेकिन जो परिवार का जो आरोप है वह 9 दिन से पुलिस ढूंढ रही थी, प्रॉपर टीमें जा रही थी। मेरे पास अभी तक, मैं भी कल गई थी मौके पर, परिवारजन ने मुझे इस तरह से कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उन्होंने ये कहा कि नहीं, प्रयास बहुत अच्छे कर रही है पुलिस और मतलब साथ में हम हैं, तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं की। मैं भी परिवारजनों से मिली थी। मैम एक और छात्र ला और उसको देखते हुए पुलिस को क्या लग रहा है, क्या छात्र ने? हाँ जी, जो उधर के घटना के जो जगह है जहाँ पर ये हुआ है, दुर्घटना हुई है, वहाँ पर के बालामात भी ऐसे ही है कि वो ऊपर से कूदा है स्वयं और फिर बीच में झाड़ी में और पत्थर पर वो अटक गया था, जहाँ पर जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो इसमें जो उसने मैसेज भी कर रखे हैं, जो लिखा भी हुआ है, उससे यही लग रहा है कि वो तैयारी कर नहीं पा रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था, इस चीज़ में मानसिक तनाव में था। माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे, वो भी अपने परिवार से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनको उसको यूँ लग रहा था कि वो उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा, इस वजह से उसने ये कदम उठाया। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।